बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पक्का से आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम में तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो 12 क्वेश्चन होते हैं, दो की चॉइस रहती है, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो उसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो उसमें से आपको आ जाएंगे, ओके। तो आप उनको अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर मैंने कोई वीडियो उस पर डाली है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, वीडियो वॉच करके आप समझ सकते हो, ओके। तो अगर मेरे से होगा तो मैं इनको एक बार समझा भी दूंगा, एक बार मैं अब तो बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में, इसीलिए एक दो डिफरेंस आ जाते हैं, तो मैंने डिफरेंस डाला है डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन का। फिर 5 एग्जांपल्स ऑफ द डिडक्शन इन अ ब्रीफ, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस हैं, जैसे कि ATC की हो गई, ATG की हो गई, ATJJA, JJAA की होगी, TTA की होगी, DU, DD, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस हैं। तो उसमें से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट आपको सेक्शन स्पेसिफाई करना है, ठीक है, आपको आगे सेक्शन जो है स्पेसिफाई करना है, फिर उस एग्जामिनर को पता लगेगा कि कौन सा डिडक्शन की आप बात कर रहे हो। फिर आगे गिव द स्लैब्स ऑफ द टैक्स फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की एज वाइज सारी स्लैब्स आपको डिस्कस करनी है। फिर HUF का मीनिंग क्या है, कर्ता का मीनिंग क्या है, को पार्टनर्स ऑफ द फैमिली के को पार्टनर्स कौन होते हैं, ठीक है, असेसमेंट ऑफ HUF, ये को पार्टनर्स का फंक्शन भी पूछ रहे हैं, फंक्शन सेम ही आ जाएगा कि पार्टीशन क्लेम करनी है उन्होंने, ठीक है, तो पार्टीशन कैसे क्लेम करते हैं, कितनी पीरियड तक होगा, वो सारा आ जाएगा इसमें। डिफरेंस बिटवीन द AOP एंड BOI, मैंने कहा था डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए AOP एंड BOI का मैंने डिफरेंस डाला है ताकि आप ये कर पाओ, ओके। तो AOP BOI का क्या डिफरेंस होगा, इसमें दो तीन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एन्यूमरेट द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, कि हमारे पास रेम्यूनरेशन जब हम क्लेम करते हैं, एक फर्म रेम्यूनरेशन क्लेम करती है, किस लिए उसने डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि उसका टैक्स कम हो जाए, तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस रहेंगी। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, फर्म से जो प्रॉफिट मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा, तो उसका ट्रीटमेंट करके दिखाना है सारा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द AOP, डिफरेंस फिर से आ गया, पार्टनरशिप फर्म एंड AOP का डिफरेंस अब बताना है। तो LLP क्या होता है, LLP का बताना है, LLP 2008 वाला, ठीक है, तो पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको बताना है। और इसी में हो गया एक आपके लिए, हो गया असेसमेंट ऑफ कंपनी, एक तो असेसमेंट ऑफ कंपनी क्या होता है उसके बारे में बताना है, और एक हो गया हमारा कि अगर कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करती है, CDT पे करती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी डिटेल्स देनी है कि CDT क्या होता है, कैसे लगता है, कितना रेट लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, किस केस में लगता है, किस केस में नहीं लगता, वो हमने आपको पिछले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आ चुका है, ठीक है, जब आपने 2 clause 22 वाले सेक्शन किए थे, ABCDE वाले, ठीक है, तो उसमें आपने डील किया था, अभी तक अपडेट नहीं आई, बट ई में पहले क्या होता था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 2 clause 22 ई में क्या होता था कि जब हम लोन लेते थे तो उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाता था, उस पर डीम डिविडेंड पे टैक्स लगता था, बट क्या होता था, कंपनी वैसे तो पे करती है CDT, बट उस केस में शेयर होल्डर पे करता था, ठीक है, उस केस में शेयर होल्डर पे करता था, बट अब अपडेट आ चुका है मेरे ख्याल से, उसमें 2 clause 22 clause E में अब कंपनी ही पे करती है CDT, चाहे वो लोन लिया है, चाहे वो डीम डिविडेंड ही माना जा रहा है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे यूनिट 1 के, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हो, और ये पक्का से आप याद करके जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि ये पक्के क्वेश्चंस हैं, इनमें से पक्का से आएगा, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 15 में से पक्का से 5-6 क्वेश्चन बड़े आराम से आपके एग्जाम में पड़े होंगे, तो आप इनको पक्का से रट के जाएं, पक्का से करके जाएं, ओके। तो आगे ऐसे ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तो मैं आपसे कहता रहूँगा वीडियो के जरिए, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा, एक रिविजनरी वीडियो, चाहे आप लगा लो, चाहे आप लगा लो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज के रिलेटेड वीडियो, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों नहीं करना, ठीक है, सब कुछ मैं बना दूँगा, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पक्का से लाइक पक्का करके जाया करो, ठीक है, अगर आपको वीडियो कोई भी अच्छी लगती है तो लाइक पक्का से करके जाया करो, और एक कमेंट पक्का से कर दिया करो,
तो कमेंट अच्छा लगता है, जब आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया, ठीक है, नाइस वीडियो कुछ भी लिख दो तो कमेंट पक्का से करके जाया करो, लाइक पक्का से करके जाया करो और अपने दोस्तों के साथ पक्का से शेयर किया करो, ताकि वो भी देख पाएँ, वो भी इन क्वेश्चन को देख पाएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ताकि वो भी सीख पाएँ, वो भी कर पाएँ, ठीक है। तो शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।